काफी सारे लोग मतलब मेरे वो यूट्यूब के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, और व्हाट्सएप पे भी एक मेरी मैम है उनका क्लिप सुनिए आप लोग, इतना मस्त वॉइस रिकॉर्ड करके भेजी थी वो, मतलब ऐसा लग रहा कि अभी चलो वीडियो बनाने से लग जाती हूँ इस टाइप से मतलब। कभी ऊंची उड़ान उड़ने के लिए ज्यादा समय लगता है, बस मैं यही कहूंगी कि तुम चलते रहो चलते रहो, एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदमों पे जरूर चूमेगी। और तुम ऐसा नहीं है कि तुम बढ़ोगी नहीं आगे, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में, एकदम सक्सेस मतलब इंसान अचानक से नहीं हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। और थोड़ा एक समय दो, 1 साल और कोशिश करो, जरूर तुम कामयाब होगी। आज सोचो 2 साल में तुमको लोग कितना जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, सोचो 1 साल में और कितना जान मतलब बहुत नाम होगा तुम्हारा, बस हार मत मानो। हे गाइस वेलकम बैक न्यू व्लॉग, और लास्ट व्लॉग देखे आप लोग कि मैं यूट्यूब क्विट कर रही हूँ वाली वीडियो देखे आप लोग, और इतना ज़्यादा आप लोग कमेंट किए मतलब मैं नहीं सोची थी, मैं तो व्लॉग भी नहीं क्विट करने वाली थी, लेकिन इतना ज़्यादा आप लोग भर भर के कमेंट किए, दो वर्ड नहीं लिखे मतलब 3-4 लाइन की लिख लिखी, इतने बड़े बड़े लिख के, मतलब जब 6 बजे वीडियो अपलोड हुई मेरी तो मेरा मोबाइल मतलब हैंग सा हो गया था, मतलब इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक में इतना ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी कि मतलब किसको क्या हो गया क्या होगा प्लीज़ प्लीज़, मतलब इतना भर भर के कर रहे थे। तो आज वही आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ने वाली हूँ, और थैंक यू सो मच आप सभी। अब पता चला कि हाँ आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग वीडियोस देखते हैं, तब पता चला मुझे कि आप लोग के लिए वीडियो बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं प्यार दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा कमेंट आएगा, फिर भी कमेंट आया, और आज उसी कमेंट को मैं आप सभी के सामने पढ़ने वाली हूँ, और आप लोग का नाम भी लूँगी मैं, क्या क्या नाम से आप लोग आईडी चला रहे हैं, आईडी कुछ और नाम रहता है लेकिन चलाते कोई और हैं। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ कमेंट्स, और आप लोग इसमें 205 लाइक आए हैं और 111 कमेंट्स आए हुआ है, मतलब कि ऐसे ही अगर आप लोग हर वीडियोस में कमेंट करेंगे तो और भी मुझे मोटिवेट होंगी मैं, और अच्छे अच्छे वीडियोस कंटेंट लाकर दूंगी आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं, और रंबा पैकरा, प्लीज़ दी मत बंद कीजिए ना, आप कंटिन्यू रखो, सपोर्ट हम लोग करेंगे दी, आप बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाते हैं दी, प्लीज़ दी वी आर ऑलवेज विथ यू दी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना ब्यूटीफुल कमेंट्स लिखा मेरे लिए। और क्रिस सेहर, एक अच्छे कल के लिए आज मेहनत करना जरूरी है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करो, देर से ही फल मिलता है, एक दिन दिन माय एक्सपीरियंस रिजल्ट, जब हमको नहीं मिलता है तो हम उस वर्क को ही करना छोड़ देते हैं, ये एकदम गलत है, अपना वर्क भी कोरोना भी चाहिए, रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन होता है एक दिन। सिमरन जिवरानी जो मेरी ही क्लासमेट है, हम दोनों ने ग्रेजुएट 3 साल एक ही डेस्क बेंच में पढ़ के स्टडी किया हुआ है। और कंचन कम्प्लीटली एग्री करती हूँ कि इस ऐसी सिचुएशन में गिव अप करने का मन होता है, बट हमें स्ट्रगल का लास्ट स्टेज है, गिव अप मत करना। चांदनी ऑफिशियल दी, प्लीज डोंट स्टॉप एट यू आर इंस्पिरेशन फॉर मी, एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी वीडियो 1 बजे तक देखती थी, अगर आप चली जाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, आप 1 बजे मेरी वीडियो देखती हैं। सोनू राइडर जी लिखते हैं, हिम्मत नहीं हारना है कंचन जी, मोटिवेट डीमोटिवेट नहीं होना है, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगा, जी जरूर मिलेगा। राज गुप्ता ब्लॉग्स, मैम आई एम बिग फैन, प्लीज आप यूट्यूब लीव मत कीजिए, जी नहीं कर रहे हैं। मनीषा नाइस यार, नहीं यार ऐसा मत करो, हमारा दिन कंप्लीट नहीं होता है बिना ब्लॉग देखे, प्लीज ऐसा मत करो, कंटिन्यू ब्लॉग करो। और आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे ना, मतलब कि आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं आप लोग के लिए, और जो बैकग्राउंड हवा चल रही होगी तो उस पर आप लोग माइंड मत कीजिएगा, माइक नहीं लेके आई, माइक घर में ही है मेरा, माइक का यूज़ कम यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि तेज़ बोलती हूँ लाउड बोलती हूँ तो माइक का ज़रूरत नहीं पड़ता है मुझे। और पूनम सिंह राजपूत, सब्र का फल मीठा होता है दी, बस आप वीडियो बनाते रहो, व्यूज़ भी आएंगे दीदी और बहुत ही आगे जाओगी, थैंक यू। और सोशल मीडिया स्टेटस, प्लीज यूट्यूब क्वाइट मत कीजिए, आई एम बिग फैन बिगेस्ट फैन फ्रॉम रायपुर, थैंक यू, आप रायपुर से देख रहे हैं। व्लॉग विथ रागनी, कंचा जी आप, मैं आपकी वीडियोस कंटिन्यू तो नहीं देख पाती हूँ पर जब टाइम मिलता है तो आपकी वीडियो देखकर बहुत खुश होती हूँ, आप इंस्पिरेशन हो गर्ल्स के लिए, प्लीज वीडियो बंद
नहीं करो। देखिए मैं वीडियो इसलिए मतलब कि बंद करना चाह रही थी क्योंकि क्या हो रहा था ना मेरे साथ में, क्योंकि जो मैं चाह रही थी मैं वो नहीं हो पा रहा था, मतलब मिल नहीं रहा था मुझे, जैसे जो सब्सक्राइबर व्यूज आने चाहिए मेरी मेहनत के हिसाब से वैसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं थोड़ी सी मैं क्वाइट करना चाह रही थी। अच्छा है वीडियोस, ओके रुक जाना नहीं कभी हार के, जी नहीं रुक रहे हैं, प्लीज दीदी मत करो। रश्मि सिंह हेलो, ऐसा मत करो, आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो बनाना बंद करेंगे आप प्लीज चलते, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं, अगर मैं कमेंट पढ़ूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और अरे यार मैं किधर पढ़ू, 111 कमेंट्स यहाँ नहीं होते यार, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग ऐसे ही हर वीडियोस में प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग, ताकि मुझे अच्छा लगे। इंस्टाग्राम में भी इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि इतने बगल में साइड में आप लोग देख सकते हो इतने बड़े बड़े लिख के कि मैं दो मिनट सेकंड के लिए क्या लिख के भेजे हैं, मतलब ऐसा पढ़ रही थी मैं, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा अब समझ में आए कि मुझे आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, भले मेरे 1500 व्यू आते हैं लेकिन अब मैं 1500 व्यूज के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए जो मेरी डेली वीडियोस देखते हैं। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि मतलब कि YouTube मतलब पैसे की वजह से पैसे नहीं आ रहे थे, इसलिए गिव कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ, मैं आप लोग को पहले ही बताई जो चाह रही हूँ मैं, वैसा नहीं हो रहा है। पैसा तो YouTube पे मेरा इतना ज़्यादा खर्च हो गया, यहाँ जाना वहाँ जाने के चक्कर में। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियो आप लोग को जैसे भी लगे, अच्छा बुरा बहुत घटिया बहुत बकवास, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उससे क्या होता है मुझे पता चलता है कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, क्या देखना पसंद है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है और आज 1 अप्रैल है, तो हैप्पी अप्रैल फुल। और 1 अप्रैल कल से नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा, रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। घर से बाहर इसलिए वीडियो शूट करती हूँ क्योंकि आप लोगों को देखने को मिले, नज़ारा देखने को मिले, बैकग्राउंड देखने को मिले। घर में क्या दिखाऊंगी, घर में बस दीवार, आप घर दीवार पंखा कूलर टीवी यही सब दिखेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ घर से बाहर निकलती हूँ तो आप लोगों को मैं बैक दिखाती हूँ कि आप लोग देखिए मेरा एरिया कैसा है, मैं किधर शूट करती हूँ। अभी देखिए मैं इतना पेड़ के नीचे आ गई, अरे बाप रे मैंगो तोड़ लूंगा, मेरे को कोई देख रहा है क्या, अरे गजब फर्स्ट मैंगो, अरे वाह दिल खुश हो गया, इसको खा के देखें क्या, साफ कर लेते हैं। गजब यार गजब, मतलब पहली बार खा रही हूँ अभी आप लोग के सामने, मतलब इस सीजन का 2022 का पहला आम, ये देखो इतना छोटू सा खा रही हूँ। आज के वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, आई होप आप लोग को आज का व्लॉग समझ में आया होगा, व्लॉग नहीं था ये, आप लोगों से बातें की, आप लोग के कमेंट का जवाब दी मैं, और आप लोग चाहते हैं कि मैं यूट्यूब ना छोड़ूं और आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट ला कर दूं, और दूंगी मैं डेली शाम 6 बजे, कुछ भी हो जाए शाम 6 बजे आपको कुछ ना कुछ मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। और हाँ कुछ ना कुछ मैं वीडियो जब अपलोड कर देती हूँ 10-11 बजे सुबह, वो ऐसा वीडियो होती है मतलब कि मैं एक्स्ट्रा अगर शूट कर ली होती हूँ तो वो मैं 10-11 बजे अपलोड कर देती हूँ, लेकिन मेरी जो रियल कंटेंट है शाम 6 बजे आप लोग को देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अभी तो रामनवमी आने वाली है, आप लोग को एकदम मस्त मस्त ढेर सारी अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगी। मिलती हूँ कल की ब्लॉग वीडियो में, अभी के लिए ओके टेक केयर, बाय बाय एंड बाय बाय।